आफ्टरनून फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग? आज दीदी, मैं, अनमोल और श्रिया भैया सब एक जगह जा रहे हैं। वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर बाद आप लोगों को पता लग जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आगे हम लोगों का सुंदर है। इस साइड का रास्ता तो बहुत अच्छा बना हुआ है। ट्रैवल करने के लिए बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, टू वे बन गया है रोड, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जिंदल हम क्रॉस कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना, इधर जिंदल स्टील प्लांट है। यहाँ के आसपास के एरिया में बहुत सारे छोटे बड़े स्टील प्लांट बने हुए हैं। ये एक छोटा सा स्टील सिटी बन गया है। तो बहुत साल पहले यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं था। देखिए जिंदल का ये प्लांट जो है, हम वही रोड अभी क्रॉस कर रहे हैं। उसके पास नीलाचल स्टील प्लांट है। उसके अदर साइड में अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिखाई देता है, जो कि टाटा स्टील का बहुत बड़ा प्लांट बना हुआ है। इसलिए ये जगह बहुत डेवलप हो गया है। पहले हम इसी रास्ते से जाते आते थे तो बहुत ही लो कम्युनिकेशन था। आजकल तो ये रोड एकदम से बहुत डेवलप हो चुका है। देखिए ये क्वार्टर्स बने हुए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बन गया है, खाली अपना एम्प्लॉयज़ के लिए ही बनाया हुआ है कंपनी ने। तो देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया है, आप इस देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं। इसको छोटा स्टील सिटी बोला जा रहा है। अभी ये रोड जाजपुर रोड को जॉइन करता है। तो अभी हम किधर जा रहे हैं उसका खुलासा हम अभी करेंगे। एक्चुअली एक स्पेशल डे आ रहा है, उसके लिए हम शॉपिंग करने आए हैं। तो देखते हैं हम क्या शॉपिंग करते हैं। वो सब सरप्राइज है, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो देखिए हम किधर पहुंच गए। अभी हम बयनी का आए हैं। देखिए बयनी का स्टोर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का क्राफ्ट वाला एक दुकान है, जहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज़ के, ज़्यादातर संबलपुरी साड़ी मिलते हैं। खाली संबलपुरी साड़ी ही नहीं, और भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। ये जो है ओडिशा का एक खासियत है। संबलपुरी साड़ी जो ओडिशा का फेमस है, वो आपको पता ही होगा। लेडीज लोगों को तो सारे साड़ी के बारे में पता रहता है, जहाँ जैसे कि खंडुआ, मानियाबंद, संबलपुरी, इस तरह का ओडिशा का तीन चार वेराइटी का पट्टू साड़ी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, उस तरह का है। ये है कटन का संबलपुरी कटन साड़ी। वो जो है स्क्वायर स्क्वायर है, उसको बोलते हैं पसापाली, जो कि बहुत फेमस है। और पहनने से जो एलिगेंट का जो आता है ना लुक्स, वो आता है। हम सबको संबलपुरी साड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि वो सब बहुत कंफर्टेबल है। और ये सब पट्टू साड़ीज है, और ये बहुत कॉस्टली है। ये ब्लैक वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। पट्टू मतलब जो सिल्क साड़ी बोलते हैं, उसका रेट कुछ, वो ब्लैक वाला का 21,000 कुछ था। उसके बाद 30% एक्चुअली डिस्काउंट था, क्योंकि सीजन में कुछ होता है, ओकेजन होता है, वो गवर्नमेंट का है, इसलिए उसमें वो लोग डिस्काउंट देते हैं। और ये भी, ये सारा कॉटन का है। इस सब का प्राइस आपको 2,000 से 5,000 के अंदर है, उसमें 30% डिस्काउंट है। और ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि उसका साड़ी का मटेरियल अराउंड 7,000 का था, और उसके बाद 30% ऑफ था। ये बहुत ही कंफर्टेबल है, और ख़ास करके पार्टीज़ के लिए ये सिल्क साड़ी बहुत ही गर्जियस लुक देता है। ये ब्लू में देखिए, उसको हम पसापाली बोलते हैं। ये पसापाली में,
और वो जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू और ब्लैक का देखिए, इसका भी अराउंड 8000 था, उसके बाद डिस्काउंट था इसका 30%। इसके बॉयोनिका स्टोर्स के करीब 6 से 7 आउटलेट है उड़ीसा में। इसका ऑनलाइन अवेलेबल भी है www.boyonica.store करके, उसमें भी आप ऑनलाइन से शॉपिंग कर सकते हैं। अभी एक्चुअली बॉयोनिका का दूसरा हो गया है गोकूप, GOCOOP, उसमें सारा वेराइटीज मिल जाता है। और देखिए इसको बोलते हैं सिल्क साड़ीज, नीचे वाला जो है खंडुआ है ब्लू का, और ये है एक्चुअली बोमकाई शायद, हाँ बोमकाई। इसका प्राइस थोड़ा हाई है, ये सब 19,000 अबव है, उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कॉटन साड़ी का वेराइटीज है, और ये साड़ी सब कैसे लग रहा है बताइए, हमें तो बहुत पसंद है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल लगता है। और इतना सबसे ज्यादा खासियत है कि ये साड़ी आपको एक गर्जी और सुगंध देता है, हाँ, और बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि जैसे कि ओड़िया वाला साड़ी देखिए, इसका प्राइस कुछ है 5000 का, उसके बाद डिस्काउंट है। और ये वाला साड़ी भी कुछ था 4000 समथिंग का, और उसके बाद उसमें 30% डिस्काउंट भी आ गया। देखिए उसका बॉर्डर का लुक्स, कलर कॉम्बिनेशन, ये वाला भी अराउंड 4000 था, उसके बाद 30% डिस्काउंट भी था। ये सब कटन में वो दिखा रहे थे हमें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओडिशा, बंगाल, बिहार, ये सब स्टेट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो ये साड़ी एकदम कंफर्टेबल फील करवाता है और लुक्स भी अच्छा होता है। ये देखिए पसापाली का डिजाइन है। अभी ये वाला भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि जो कि मटके में वो नारियल का, और उसके बाद वो जो नर्तकी की है वो सब का मिक्स है, और एलिफेंट का प्रिंट है। ये देखिए ब्लैक और रेड में ये साड़ी बहुत ही सिंपल है, लेकिन एकदम गॉर्जियस दिखेगा पहनने के बाद। ये भी अराउंड कुछ था 4000 ये भी वही 4500 इस रेंज में था, आफ्टर डिस्काउंट 3500 जैसा प्राइस था इसका। 30% डिस्काउंट मतलब अगर वो टाइम में हम खरीदेंगे तो हमको बहुत कम ज़्यादा रेट पड़ता है। अगर आप लोगों को ये सब साड़ीज अच्छे लग रहे हैं और कैसे परचेज करना है क्या है, आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम अच्छे से इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर देंगे। इधर अनमोल मुझे बोल रहा था कि मम्मी जो पसंद है ले लो, श्रिया भी बोल रही थी, भैया भी बोल रहे थे, लेकिन हम क्या खरीदे उसको हम नेक्स्ट ब्लॉक में आपको दिखाएंगे। पहले हम लोग भुवनेश्वर जाते थे या कटक जाते थे ये साड़ी खरीदने के लिए, लेकिन अभी वो हमारा नियरेस्ट प्लेस में आ गया है, तो हमको बहुत कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया एक्चुअली। और इस स्टोर में भी बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन है। देखिए ये वाला एक पट्टू का ड्रेस पीस है, सलवार सूट जो है ना उसका एक, इसे ये अराउंड 11,000 समथिंग था, आफ्टर डिस्काउंट 9,000 हो रहा था। बहुत कॉस्टली तो होता है, लेकिन आप अगर स्पेशल ओकेजन्स के लिए खरीदते हैं तो कभी कभी वो मिरर वर्क वाला साड़ी कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद उसका ट्रेंड नहीं रहता है, लेकिन ये साड़ी आराम से 15 से 30 साल तक भी इसका ट्रेंड रहता है, और उसको मेंटेन करेंगे तो उसका लुक्स भी बनाया रहता है। ये सब बेडशीट्स है, टॉवेल्स, बेडशीट्स, टॉवेल्स आपको अराउंड 300 आ जाएगा एक टॉवेल संबलपुरी का। बेडशीट्स को मिनिमम कॉस्ट है उसका 1300 जो अच्छा वाला थोड़ा है। ये सब पट्टू है, ये सब 15,000, 17,000, 20,000, 25,000 इस रेंज में आता है। कभी एक दो बार हम लाइफ में तो ऐसे खरीदते हैं ना कोई स्पेशल ओकेजन्स के लिए, तो आप एक संबलपुरी साड़ी भी अपने कलेक्शन के लिए ले सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए, देखिए ये सब वैरायटीज है। इधर छोटा स्टोर है लेकिन सब आइटम्स आपको मिल जाएगा, और हर वैरायटीज का है इसमें। और ये शर्ट है जेंट्स के लिए, कुर्ता है, शर्ट है, संबलपुरी का कुर्ता तो बहुत कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए।
शर्ट भी अगर आप गर्मी के सीजन में मतलब समर सीजन में ये यूज करेंगे तो बहुत कंफर्टेबल है ये वाला। ये शर्ट्स अराउंड 600 था और आफ्टर डिस्काउंट 300 समथिंग हो रहा था, 400 समझ लीजिए। ये भी कॉटन साड़ी है, ये क्या है पता है, ये वाला टसर सिल्क है, इतने खास लागू नहीं सर। ये भी पट्टू है, ये कुछ अराउंड 22 का था, 1000 का, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है ये साड़ी में। ये पूरा हैंड वेवन होता है, कब करीब 30 डेज लग जाता है एक पर्सन को ये जो एक साड़ी बनाने में। टिश्यू सिल्क देखिए कितना सुंदर है, अगर आप अपनी बेटी को शादी में ऐसा एक गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये साड़ी आप अपना कलेक्शन में एक दे दीजिए। ये वाला देखिए, ये बहुत डिसेंट साड़ी है, इसका प्राइस अराउंड 9000 था और इसको टसर सिल्क बोलते हैं, उसमें जो सब है थ्रेड वर्क है उसका लुक्स कुछ चेंज कर देता है, पूरा टोटली डिफरेंट लगता है। एक बार पहनेंगे ना उसको, उसके बाद वो जो दिखता है ना सबके बहुत पसंद, पूरा आपका लुक ही चेंज कर देगा, इतना एलिगेंट है कि हर उम्र के लोग इसको पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई माँ लोगों को ऐसे गिफ्ट करना चाहते हैं ना, या सासू माँ जो भी हैं, उन लोगों के ऊपर तो एकदम ही अच्छा लगेगा, और थोड़ी ठंडी जगह पर तो और भी कंफर्टेबल होता है ये सब सारे। देखिए उसका अंचल का डिजाइन कैसा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हम तो सोच रहे थे कि पूरा सब साड़ी खरीद लें इतना सुंदर था। देखिए ये सब जो हैंड वूवन है, कितना बारीकी से काम किया गया है। इस साड़ी पे तो दीदी का दिल आ गया, दीदी सोच रही थी कि ले आते हैं, लेकिन हम सोचे कि नहीं बाद में जाएंगे देखेंगे और एक बार, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में गए थे एक स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ खरीदने के लिए, तो चलो हम बाद में खरीदेंगे। बहुत ये उसका जो होता है ना प्लीट्स डालते हैं ना हम साड़ी में, देखिए ये ऑरेंज वाला साड़ी थ्री कलर्स में है, ये आंचल है, प्लीट्स में उसका वो ग्रीन वाला आ जाता है और ऑरेंज कलर, कोई भी ओकेजन के लिए पार्टी के लिए तो अच्छा लगता है। और देखिए वहाँ से जिंदल हम अभी रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न टाइम पे वो जो आपको जिंदल वगैरह के दिखाया था उसका रात का नजारा देखिए, अभी ये तो लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ा सिटी के अंदर मेट्रो सिटी में हम जा रहे हैं, जैसे कि दिन का उजाला जैसा फीलिंग आ रहा था। मैं तो इस रास्ते में पहले जाती थी क्योंकि ग्रेजुएशन तो मैं यही सिटी में करती थी, तो 3 साल तक मैं यही रास्ते पर जाती आती थी, तब तो इतना डेवलप नहीं था, अब भी 15-20 ईयर्स में इधर बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो चलिए देखते रहिए, और ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा ये उम्मीद करते हैं, इसे ही हमारा साथ बनाए रखिए और भी प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए और एक नए ब्लॉग के लिए हमारे साथ जरूर बनाए रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ, नमस्कार।